जीने का क्या फायदा? आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ भी करने में दिल लगता नहीं है, मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास का कुछ बोल रहा है तो डेफिनेटली उसको डिप्रेशन है, सामने समझना चाहिए। हो सकता है कि डिप्रेशन है, तो ये उसके बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है। पहले डिप्रेशन के लिए लोग कोई ऐसी दवाई लेते नहीं थे, यार यार डिप्रेशन है छोड़ दो, कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलते थे, ज़्यादा सोच मत, ज़्यादा विचार मत कर, घूम फिर के आ जा, वगैरह वगैरह। मगर आज हमको ये पता है कि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है, जिसको निराशा अवसाद की बीमारी बोलते हैं, और 5 से 15% लोगों को ये प्रॉब्लम है, 5% to 15%, और कुछ कुछ स्टडीज तो ऐसा बोलते हैं कि 25%, मतलब 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, दोनों में कुछ। तो फिर इसका इलाज होना जरूरी है, क्योंकि डिप्रेशन में यदि है तो उसको है ना कुछ काम करने की इच्छा होती नहीं है, वो घर में बैठे रहता है, काम करेगा तो बहुत स्लोली करेगा, वो अपने दिमाग में रहेगा, अंदर विचार चालू है, उदासीनता है, स्लो मूवमेंट है, प्रोडक्टिविटी कम है, तो उसका तो नुकसान हो ही रहा। जहाँ काम कर रहा है कंपनी का या बिजनेस का, उसका भी नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। मगर हम क्या करते हैं, ज़्यादा सोच मत, नींद ले ले, आराम कर ले, ऐसा बोल के उसको रवाना कर देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन यदि है तो पहले देखना चाहिए कि भाई उसको काउंसलिंग से फ़र्क पड़ता है क्या। मेरे तरफ जो आते हैं उनको मैं पूछता हूँ, क्या मैं आपको बातचीत करके, काउंसलिंग करके, हिप्नोटिज्म करके इलाज करूँ कि दवाई का इलाज करूँ? तो जो समझदार है, एजुकेटेड लोग हैं, जिनको मालूम है कि भाई काउंसलिंग से फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा परसेप्शन ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग का होना ज़रूरी है, तो बोलते हैं हाँ हमको है ना बातचीत करना है, काउंसलिंग करो और हमको इलाज करना है। जो लोगों को समय नहीं है, जो लोगों को जल्दी होना है, या अनाड़ी है, जिनको काउंसलिंग के बारे में मालूम नहीं है, देहात के लोग हैं, अशिक्षित है, बोलते नहीं नहीं हमको दवाई दे दो, हम ठीक हो जाएंगे। फिर हमको, और कुछ लोग जो अच्छे होते हैं, समझदार और ज़्यादा, तो बोलते हैं हमको दोनों भी दो, मतलब दवाई भी दो और काउंसलिंग भी करो, हिप्नोटिज्म भी करो। आज दवाइयाँ ऐसी ऐसी नई नई उपलब्ध है कि एंटी डिप्रेशंस जब हम देते हैं, एंटी डिप्रेशंस, तो उससे तुरंत तुरंत, मतलब कम से कम 8-10 दिन में, 15 दिन में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ये जो है ना कि रोना आना, भूख न लगना, सेक्स में इच्छा कम हो जाना, कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट ना लगना, सभी एक्टिविटीज स्लो हो जाना, नींद ना आना, या नींद डिस्टर्ब रहना, या नींद सुबह जल्दी खुल जाना, ऊपर नीचे मूड होना, कुछ भी करने में मन ना लगना, और उसको लैक ऑफ प्लेजर रहता है, मतलब कोई करने में आनंद नहीं आता है। तो ऐसे जो लक्षण हैं, तो वो लक्षण डेफिनेटली हमने डॉक्टर की तरफ, मतलब प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। कुछ ऐसे लक्षण रहते हैं कि जिनको, मतलब वो बोलेगा नहीं कि मुझे निराशा है या डिप्रेशन है या उदासीनता या अवसर, ऐसा बोलेगा नहीं, मगर उसको बाकी लक्षण दिखते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल डिस्थायमिया है, बॉडी एक्स एंड पेंस, कुछ भी नहीं है, सब तरह की जांच कर लिया, तभी भी हाथ में दर्द, पैर में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, स्पेशली ये जो है यहाँ, ये एरिया यहाँ दर्द, ऐसा होता है तो उनको बॉडीली प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, और वो डिप्रेशन की बात नहीं करेंगे, मगर बाकी सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो है, इसका इलाज करते हैं तो डेफिनेटली फायदा होता है। कुछ लोग जिन्होंने घर पे ऐसे कुछ नहीं होता करके रख दिया, तो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने खुदकुशी कर लिया, जो खुदकुशी कर लेते, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, उसमें से 90% लोगों को डिप्रेशन रहता है, और उनको यदि समय पे उनका इलाज हो गया तो उनकी जान बच सकती है। तो आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनको हल्के में मत लो। यदि कोई भी ऐसा बोलता है मेरे को इच्छा नहीं रही, मुझे तो मरने के विचार आते हैं, किसने सुसाइड करने की कोशिश की है, मतलब क्या होता है कि वो आदमी जो है, जो जिसको डिप्रेशन हुआ है, वो क्राई फॉर हेल्प कर रहा है। क्राई फॉर हेल्प मतलब वो मुझे मदद करो ऐसा रो रहा है, मगर हमको उसका रोना सुनाई नहीं आता और हम प्रोफेशनल हेल्प लेते नहीं हैं। तो ऐसा कृपया मत कीजिएगा। स्पेशली लेडीज लोगों का ऐसा होता है कि वो बोलती नहीं है, बोला तो उनको ऐसे किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है, और उसको अच्छा खासा डिप्रेशन है, तभी भी वो कुछ नहीं ठीक हो जाएगा ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ना करते हुए प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है, और सभी लोग अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी सभी लोगों को, आपके आजू बाजू लोगों को शेयर करो, डिप्रेशन ठीक हो सकता है और आप
आपके परिवार के लोग अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपका परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।